वेलकम बैक टू फ्लाइंग मंडे। सो गाइज, आज बहुत दिनों के बाद मैं आ गई हूँ फिर से एक हॉन्टेड वीडियो लेके। इसमें 2022 की कुछ भूतिया घटनाएं कैमरे में रिकॉर्ड हुई हैं, उनको आज हम लोग देखने वाले हैं। हे भैया, सही बताओ। और आप यकीन करो ना करो, रात के 12 बज रहे हैं और मैं पूरे घर में अकेले हूँ। मस्त जोक मारा रे। सच में अकेली हूँ यार, यकीन कर लो। नहीं क्योंकि आज की वीडियोस इतनी खतरनाक हैं, जिनको देखने के बाद आज रात में आपको नींद नहीं आने वाली है। तो गाइस, अगर आप चैनल पे नए हो तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो और अपने फ्रेंड्स में शेयर जरूर करना। सो स्टार्ट करते हैं आज की हॉन्टेड वीडियो। यार, पहली वीडियो में ना जो मैं देख रही हूँ, एक ट्रेन जा रही है, रिकॉर्डिंग कर रहा है। ओ माय गॉड, ट्रेन के पीछे कोई खड़ा हुआ है। ये कौन है यार? यार ये बहुत अजीब सा है, क्रीपी है यार। ट्रेन गई, पीछे कोई खड़ा था। ओ माय गॉड, और वो बिल्कुल भी इंसान जैसा नहीं लग रहा था, और ट्रेन के बराबर सब भूत जैसा लग रहा है। ओ गॉड यार, नेक्स्ट वीडियो में यार कोई घर है किसी का, और मैं सच में आप लोगों के साथ फर्स्ट टाइम देख रही हूँ। ओ माय गॉड, घर में कोई बाहर पहरेदारी दे रहा है, घर के ऊपर कोई भूत खड़ा है। मतलब ये लिटरली गाइस ये बहुत ज्यादा क्रीपी है यार, सोचो जरा यार। और आई थिंक वो चला भी गया, वो गया। बहुत अजीब सा है यार, ये वियर्ड है, क्या था ये? और आप लोगों को क्या लग रहा है ये वीडियोस, मतलब कि ये क्या है? कुछ कोई मास्क वास्क लगा के आ गया, लेकिन मुझे बिल्कुल नहीं लग रहा है मास्क की। ये हॉस्पिटल है, नेक्स्ट में हॉस्पिटल है। कुछ गिरा, ऐसे कैसे गिर गया? और एक बंदा भागते हुए कितनी तेजी से आया है यार। ओ माय गॉड, स्ट्रेचर नहीं व्हील चेयर है, वो अपने आप चल रही है, बाकी भी डर के भागे। ओ माय गॉड यार, ये तो वाकई में क्रीपी है। नेक्स्ट क्लिप में यार कोई घर में है। ओ भाई साहब, बंदे का गिटार अपने आप बज रहा है। बेसमेंट में यार, इन अंग्रेजों के यहाँ बेसमेंट होता है, और मुझे लगता है ये सारी बेसमेंट ना सारी जड़ है भूतों की, क्योंकि बेसमेंट में भूत होते हैं यार। इसने अपने गैराज में नीचे रख दिया, और इसके बावजूद आवाजें आ रही हैं यार। कहाँ से आवाजें आ रही हैं यार? नॉक कर रहा है कोई। ओ माय गॉड, वहां भी गिटार बजने लगा। ये तो बड़ा वियर्ड सा है। आप अकेले घर में हो, इस टाइप की चीजें हो अगर कंटिन्यू आपके घर में, तो बहुत ज्यादा डर लगेगा। ओ गाइस यार, वो हर जगह चेक करता है कि अजीब अजीब सी आवाजें आ रही हैं, रोने की भी आवाजें आती हैं। इसके बाद पता है वो अपने घर के बाहर का सीसीटीवी चेक करता है। और क्या भाई साहब, क्या देखा आप लोगों ने? क्या हुआ? कोई मतलब शैडो जाती हुई दिखती है यार। ये बिल्कुल भी इंसान नहीं है, और बिल्कुल भी यार ये कोई ऐसा नहीं है कि उसने मास्क पहना है या ऐसे कर लिया है। ओ भाई साहब, ये बहुत ज्यादा डरावना है, बहुत ज्यादा डरावना है यार, बहुत।
यानी कि ये जो स्प्रिट दिखी है बाहर ना, मेरे ख्याल से तो यही गिटार बजा रही थी। नेक्स्ट क्लिप देखते हैं। आपको सबसे ज्यादा डरावनी क्लिप कौन सी लगी बताना मुझको। यार ये नेक्स्ट क्लिप मेरे ख्याल से किसी रेडियो स्टेशन की है, नहीं FM वगैरह जो होते हैं वहाँ की है, और वहाँ से अजीबोगरीब आवाज आ रही होती है। तो वो बंदी जाके, बंदी या बंदा जो भी, वो देखता है क्या है वहाँ, खोलती देखती है, वो चेयर अपने आप हिल रही होती है। Hello? नेक्स्ट क्लिप मेरे ख्याल से किसी स्कूल या हॉस्पिटल की है यार, पता नहीं गाइस, आई डोंट नो, मुझे बहुत डर लग रहा है। ये कैमरा जा रहा है इधर उधर, कहीं से आवाजें आ रही हैं। ये यार यहाँ पे देखो, कोई लगता है छोटी सी बच्ची जा रही है, उसका नहीं मतलब कि उसकी शेडो टाइप की दिख रही है, और बाकायदा ये समझ में आ रहा है यार लिटरली गाइस ये क्या है, मुझे तो बहुत डर लग रहा है। मुझे लग रहा है पीछे से कोई आ जाएगा, ऐसे ऐसे नॉक नॉक करने लगेगा खिड़की पे। तुम लोगों को पता है ना कि मेरे घर के पीछे कितना जंगल जंगल सा एरिया है, ये कहीं बेसमेंट की है। यहाँ पे भी अगेन एक शैडो कैप्चर होती है। सो गाइस ये सारी वीडियोस थी जो मैं आप लोगों को डराने के लिए लेके आई हूँ। आई होप आप लोग डरे हों। और अब बात करते हैं, तुम लोगों में से बहुत से लोगों ने मुझसे रिक्वेस्ट किया था, इंस्टाग्राम पे भी रिक्वेस्ट किया था। हाँ वहाँ पे भी फॉलो कर लेना फ्लाइंग मंदे से, हम लोग वहाँ पे भी हैं, हेमंत फ्लाई और फ्लाइंग मंदे से मौजूद हैं, तो इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना कि भाई अमित बड़ाना की घोस्ट वाली वीडियो आई है तो दीदी उस पर जरा रिएक्ट कर दो। हो मेरे मुंह से तुम लोगों को सुनने में कितनी मजा आती है, आई डोंट नो व्हाई। तो शुरू करते हैं भाई, बंदा हो एक होता है जो अमित बड़ाना की लेटेस्ट वीडियो आई है, और मुझे तो भाई बिंदास शख्स लगते हैं क्योंकि इनकी एक्टिंग ऑसम है। तो उसमें ये दिखाते हैं कि एक बिंदास बंदे हैं, अपने दोस्त के साथ में रह रहे होते हैं, तो इनकी एक डेट आ जाती है, तो वो उसके कपड़े और पैसे मांग के चल देते हैं। होती कहानी उसके पीछे ये है कि ये अपनी फेक इंस्टा आईडी बनवा लेते हैं, जिसमें ये दिखाते हैं कि ये बहुत पैसे वाले हैं और नासा में वर्क कर रहे होते हैं, जैसा कि रियल में बिल्कुल भी ऐसा नहीं होता है। तो ये आईडी के दम पे एक लड़की को डेट करने जाते हैं क्योंकि उसका फोन खो गया था, और जिस बंदे ने उसका फोन चुराया था उससे इन्होंने चुरा लिया होता है। वो दिन आ जाता है, वो उसके पैसे अपने दोस्त के लिए 10,000 रुपए लेके उसको चला जाता है डेट पे। वहां पे वो उसको प्रपोज कर देता है और सीधा सीधा बोल देता है फर्स्ट डेट पे कि भैया मुझसे शादी कर लो। तो वो मना कर देती है, कहती है अरे आज तो हम लोग पहली बार मिले हैं और मुझे मेरा फोन दे दो, मुझे मेरा फोन बहुत प्यारा है और दे दो दे दो। तो वो बोलता है
लगता है कि अगर मैंने तुम्हें अपना फोन दे दिया तो तुम तो भैया दोबारा कभी नहीं मिलने आओगे, तुम तो छुमंतर हो जाओगी, गायब ही हो जाओगी। तो भैया वो फोन नहीं देता है अपना, मतलब कि उसका जो उसने किसी चोर से खरीदा होता है, वो कहता नहीं नहीं मैं नहीं दूंगा और इसी फोन के बहाने तुम बार बार मुझसे मिलने आओगी। वो लड़की बार बार रिक्वेस्ट करती है, ये अगेन एंड अगेन नहीं मानता है। और ये कुछ फोटोग्राफ्स उसके साथ में लेता है, उससे बोल भी देता है कि यार मुझसे शादी कर लो, ये है वो है। और उसी टाइम में वो बताता है कि मैं भाई नासा में काम करता हूँ। तो लड़की बोलती है अच्छा नासा में काम करते हो, दिखाओ। वो दिखाती है आईडी अपनी, तो वो आईडी दिखाता है, तो फिर पता है क्या होता है, वो लड़की कहती है तुमने पैसे खर्च किए होंगे, तुमने वर्क अच्छा किया, लेकिन तुमने नासा की स्पेलिंग गलत लिखी है। उसने पता है नासा की स्पेलिंग नसा लिखा होता है, NASHA। तो ये थोड़ी कॉमेडी वाला सीन रहता है, बड़ी मजा आई देख के। तो वो नशा होता है तो उसका सारा पैसा डूब जाता है जो कि उसने इंस्टा आईटी बनाने में खर्च किया था। तो वो लड़की फिर लास्ट में जाने लगती है, कहती ठीक है भाई रख लो फोन और मुझे तो जाना पड़ेगा। तो दोनों लोग थोड़ा सा हगक दे के फोटो खिंचाते हैं। इसके बाद होता ये है कि वो बंदा अपनी माँ को भेज देता है मैसेज कि भैया मुझको इससे शादी करनी है, जहां पे वो दोनों लोग बैठे होते हैं। तो उसकी मम्मी बोलती है कि यार तू पागल अगल है क्या, तूने नशा कर रखा है, तूने चढ़ा रखी है, कौन है तुम्हारे बगल में, तो कोई भी नहीं है। तो वो फोटो फिर से देखता है, फोटो में वो लड़की गायब। अब वो पीछे की सारी फोटो देखता है, वो लड़की गायब। ये बंदे तो है, अमित बढ़ाना तो है, लेकिन वो जो दूसरी कैरेक्टर में कैटरीना कैफ होती है, समझ रहे हो, वो तो गायब। भैया ये तो बहुत डर जाती है, उसका नाम रखा होता है के, तो के तो भाई गायब है। तो अब अपने दोस्त से भी पूछता है कि तुमको क्या के नहीं दिख रही है, तो वो कहता है नहीं दिख रही है। तो ये बड़ा डर जाता है। तब उसको याद आता है कि होटल में जहां ये लोग रेस्टोरेंट में गए थे, तो वहां पे कुछ सीन हुए थे कि वो जो वेटर होता है उसको केवल यही दिख रहा होता, वो नहीं दिख रहा होता। तो वो बार बार कहता है कि तुम मुझसे क्यों पूछ रहे हो, मैडम से पूछो। तो वेटर जो है ना अमित बढ़ाना को ही मैडम कहता है, मैडम आप क्या लेंगी। तो वो कहता है यार तुम पागल हो क्या, मैं मैडम नहीं हूँ, ये मैडम है। तो इस टाइप के कुछ सीन रिक्रिएट होते हैं उसके माइंड में, तब उसको समझ में आता है। और उसी टाइम कमरे में एक कॉर्नर पे एक भूत आ जाता है, वो उससे पूछता है मेरा फोन मुझको दे दो, मेरा फोन मुझको दे दो। अब ये वीडियो इसलिए बनाई जाती है क्योंकि कैटरीना कैफ की मूवी आ रही है घोस्ट, घोस्ट 2 या जो भी, मे बी घोस्ट है, उसके प्रमोशन के लिए। लेकिन वीडियो ये बहुत औसम थी, आप सब लोग देख लेना, मजा आ जाएगी, हंस के थोड़ा सा डर नहीं लगेगा, मजा ही आएगी। सो गाइज आज की वीडियो आप लोगों को कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा, और कौन सा पार्ट आपको सबसे ज्यादा डरावना लगा या आप कहीं से उससे रिलेट कर पा रहे हैं तो मुझे जरूर बताइएगा। अपने फ्रेंड्स में शेयर करना मत भूलिएगा। अगर इंस्टाग्राम पे अभी भी फॉलो नहीं किया है तो हेमंत फ्लाई और फ्लाइंग मंदिर से हम लोग वहां पे भी हैं, हम लोगों को फॉलो जरूर करना। सो गाइज मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।